अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम सेटअप पे आ चुके हैं। तो दोस्तों जो हम कल नए कबूतर लेके आए थे ना, तो वो अभी तक तो अलहमदिल्ला ठीक है, दाना वगैरह खा रहे हैं। बाकी हमने जो कल काले और वाइट वाला जोड़ा था ना, वो केजी वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। और हमारी बिल्ली गैंग पहले हम बस ठीक है, लेकिन आज कोई चूजा भी है, लेकिन कोई चूजा भी नहीं मरा, सारे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी आज एक काम खराब हो गया, जो हमारा बड़े वाला का गोश्त था ना, उसने छोटे से गोश्त को मारा और बहुत जोर से मारा है। जो खरगोश है ना, इसे काफी जोर से मारा है। इसी में हमारी बिल्ली के बच्चे हैं ना, इन्हें हमने ना बंद किया भाई। जो हमने कबूतर लेके आए ना, उन्हें काफी ज्यादा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। खाने के दे रहे किसी को भी, जिस तरह की बिल्ली के इनको तंग करते हैं वैसे ही उन्हें भी तंग कर रहे थे। और हमारी पापसी भी हमें देख रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से भी पहले से बहुत बेहतर हुई है। इनके निकलने की ट्यूब वगैरह लगाई थी ना इसे, तो बहुत बेहतर हो गया पहले से। ना मैंने ये जो हमारा मास्टर केज है ना, इसके नीचे काफी ज्यादा जगह थी, तो यहाँ पे ना हमने सीमेंट वगैरह लगा दिया। इस साइड में भी और ये वाली साइड पे भी। और शेर में पता है आज हमारे सिल मुर्गी ने दूसरा अंडा भी दे दिया। हाँ, आज हमारे सिल मुर्गी ने दूसरा अंडा दिया है मुझे, लगता है वो डेली वाइज अंडे दे रही है, जो कि कल भी अंडा दिया था और आज भी दिया है। देख दो यार, तो ये हमारी सील मुर्गी का आज दूसरा अंडा है। तो ये बहुत छोटा सा अंडा दिया है, मुर्गी तो बहुत बड़ी है, इससे बड़ा अंडा तो हमारी गंजी मुर्गी ने दिया था, लेकिन कोई नहीं, सील का अंडा इसे हम संभाल के रखेंगे, वहां रख लो उसको। दो अंडे हो गए, कल दिया थे, कल ही दिया था। देख रही है ना, बस खाना पीना कम खाते हैं, वो साइडों द्वारों पे जाके ज्यादा बैठ जाइए ना। अभी नहीं आया ना शायद, इसलिए ना ये इतना नहीं खा रहे सबके साथ, इसलिए वहां जाके बैठ जाते हैं। और वो काले मुर्गे तो कितना ज्यादा खाना खाया कर रहे हैं यार। कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज ना हम अपने मास्टर केज को ना पेंट करने वाले हैं बाहर की तरफ से, अंदर से तो हमने पेंट कर दिया था। ये वाली अंदर से और बाहर दोनों से करेंगे, और भी हमारा मास्टर की तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ फिर हाँ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने वर्ड वगैरह छोड़ेंगे, तो वाफ्ते भी छोड़ने हैं, वो कब से इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आज फिर हम इस पर पेंट करेंगे, और पेंट का सामान भी आ चुका हुआ है, ये पेट्रोल और ये पेंट, और कलर शिरोज ने पसंद किया है इस पेंट का, दिखाओ कलर इसको। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। तो शिरोज ने यही कलर करवाना करना था, तो उसने फिर यही वाला कलर लेके आया डिब्बा, तो अब हम इसमें करेंगे जाली अपने। और आज ना हमने ये बांस वगैरह भी लगा दिया दरमियान में ना सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा ना नीचे को आ रहा था, फिर शिरोज ने मेरे मिल के यहाँ बांस लगा दिया, तो चलो फिर करते हैं पेंट शुरू। तो दोस्तों अब हम ना कैमरा सेट करने लगे और हम पेंट करना शुरू करने लगे।
तो फाइनली दोस्तों हमने ना अपने मासी के घर को बाहर से पेंट कर दिया है, तो अब इसकी ना कुछ ऐसी लुक आ रही है बाहर की तरफ से और बहुत ही प्यारा लग रहा है मासी के इस टाइम ना। अभी बाहर से किया, अंदर से करना अभी बाकी रहता है। और हमारी इतनी हालत देखो आप, ये देख सकते हैं पूरी पूरी हालत हो गई है। वो भी गिरा नहीं देखा, हल्के हल्के से छीटे तुम्हारे भी गिरे हुए। तो बस बाकी अगर अंदर से रह गए तो अभी हम अंदर करते हैं, फिर आपको पूरी लुक दिखाएंगे इसको। चलो फिर अंदर से पेंट करें। तो फाइनली दोस्तों हमारे मासी के का ना पेंट का काम मुकम्मल हो चुका है, ये अंदर से भी और बाहर दोनों जगह से पेंट हो चुके हैं। अभी उन्हें ये ना कुछ ऐसी लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे जो एक बांस लगा हुआ था ना, इसे भी हमने पेंट कर दिया है, ये भी काफी अच्छी लुक दे रहा है। तो श्रेय तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? बहुत प्यारा लग रहा है सब, बहुत प्यारा, क्योंकि कम्प्लीट हो चुके हैं हमारे मासी के, और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं काम करके, कब से लगे से, और अब तकरीबन निशा होने वाली है, तो बहुत खुशी हो रही है देख के। और बाहर से कुछ ना मैं हम आपको दिखाता हूँ कैसी लुक दे रही है। और मज़े के बाद हमारे जो नए कबूतर आए हैं ना, इन्हें भी ना अपने घर की पहचान होगी, ये भी ना अपने घर के अंदर चले गए हैं। और हमारी मुर्गियों की तो पहली पहचान थी, बस एक सील मुर्गी हमारी बाहर है, इसे भी अंदर कर दो श्री। ओ वो देखो कबूतर घर में चले गए। और हमारी लैला मजनू हमें देख रही हैं। कैसे हो लैला मजनू, ठीक हो? हमारे बाकी सारे रैबिट्स वगैरह यहाँ बाहर बैठे हैं, जो मुर्गे भी हैं अभी काफ़ी ज़्यादा बाहर ना। और हमारे ना जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, हस्की डैजी वगैरह, उन्हें हमने अंदर बंद किया हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं हमें बाहर निकालो, क्योंकि हम जो नए कबूतर लेके आए ना वो उनसे डरते हैं, इसलिए मानो भी इधर ही है कि इन्हें बाहर निकाल दो, निकाल दो, चलो आ जाओ बाहर, आ जाते हैं अभी बाहर ना। हस्की भी बाहर आ गया, बाकी सब भी बाहर आ गया। बाकी हमारे जानवर सब ठीक है। तो दोस्तों इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।